चुनावों का समय नजदीक आता जा रहा है, यानी कि वोटिंग का, और प्रचार थमने में महज दो दिन बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियों में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से नेलो उम्मीदवार राव बहादुर सिंह लोगों को रिझाने में लगे हैं। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने लोगों से वोट की अपील की, तो वहीं कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों भी लिया। चुनाव का समय नजदीक आता देख सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से इनेलो उम्मीदवार राव बहादुर सिंह ने भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बहादुर सिंह ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा किया और ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित किया और जीत का दावा पेश करते नजर आए। जिस प्रकार का जोश और खरोश देख करके मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, अब इनकी जमानत नहीं बचेगी। जिस प्रकार का नौजवान साथियों में आज उत्साह देखने को मिला, शायद मुझे ऐसा कभी जिंदगी में, मैंने चुनाव तो पहले भी तीन लड़े, लेकिन इस प्रकार का उत्साह मुझे कभी दिखाई नहीं दिया जो इस बार मुझे दिखाई दिया। भिवानी में जब मैं गया तो वहाँ भी नौजवान साथियों का जो उत्साह था, और जिस प्रकार से इन दोनों कैंडिडेटों की खिलाफत है, बीजेपी और कांग्रेस की सुरती चौधरी की, मैं समझता हूं कि इनकी जमानत अब की बार लोग जमानत में बचाने का काम नहीं करेंगे। इस चुनावी दौरे पर जहां सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार और महंगाई का प्रमुख जिम्मेदार ठहराया, वहीं बाबा रामदेव का जिक्र करते हुए बीजेपी को जनाधारहीन बताया। जय बाबा रामदेव की बात करें, जिस प्रकार का हमारा जोश क्रोश देख करके अब तो बाबा रामदेव ने मान लिया कि भाई हमारे बीजेपी वाले तो जीत नहीं रहे, कि बीजेपी के तो कैंडिडेट नहीं, वो सारे बिकाऊ और खरीद का माल है। पांच कैंडिडेट तो इन्होंने कांग्रेस के खड़ा करने का काम किया, इसको लेकर के तो लोगों में जोश है। ये ठीक बात है कि नोटो नहीं, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जाहिर है चुनावी दंगल में हर उम्मीदवार अपनी जीत की दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं, लेकिन जीत किसकी होगी, जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महेंद्रगढ़ से प्रदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।